हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ का लास्ट 6 मंथ्स का जो हम कंक्लूसिव तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, कंप्लीट पैकेज वो हमारा समापन की ओर एक दो दिन में हो जाएगा। L43 आप लेक्चर देख रहे हैं, स्टार्ट करेंगे लेक्चर को और आइए स्टार्ट करते हैं। क्विज़ प्लीज़ देना ना भूले, आपके एग्जामिनेशन भी बहुत करीब हैं। कोई भी स्टूडेंट क्विज़ नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि ना दे, आप लोग सब लोग क्विज़ दिया करें, टाइम के अकॉर्डिंग क्विज़ को देने की कोशिश करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास का क्या है? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड पढ़ाई तुहार पैरा योजना? आंसर करेंगे पढ़ाई तुहार पैरा स्कीम की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। आंसर करेंगे क्यों की गई थी, किस लिए की गई थी, सब कुछ बताएंगे आपको अभी। पहला ऑप्शन क्यों की गई थी, तो याद रखेंगे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए की गई थी। किसके लिए? जो हमारे स्कूल के छात्र हैं उनके लिए इसको लाया गया था, स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाई तुहार पैरा स्कीम। और इसके साथ साथ यहाँ पे जिस राज्य ने इसको लॉन्च किया है यह है आपकी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री आपको पता ही हैं, मिस्टर भूपेश बघेल साहब के द्वारा इस पर्टिकुलर योजना को चलाया गया था, क्योंकि COVID-19 में बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही थी, बच्चों की स्कूल की, तो स्कूल स्टूडेंट्स को जो लोकेलिटीज़ हैं उनकी लोकल, तो एक स्पेशल योजनाएं चलाई गई कि जिनको क्लासेस की यहाँ पे सुविधा दी जा सके। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल आपके जगदीप धनकर। झारखंड के कौन है आपकी प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। महाराष्ट्र के कौन है आपके भगत सिंह कोश्यारी। और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आपको पता है अनुसुईया जी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक एंड हेड ऑफ दी नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DBS बैंक इंडिया। DBS बैंक इंडिया के राष्ट्रीय वितरण के प्रमुख और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर करें DBS बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय वितरण के प्रमुख और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे आपके सामने तीन नाम दे रखे हैं, एक तो नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो है ही नहीं है, तो प्रशांत जोशी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्या होता है? प्रशांत जोशी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑन विच डेट इंडिया अक्षय ऊर्जा डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आ रही है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका दूसरा नाम होता है रिन्यूएबल एनर्जी। क्या बोला सर? रिन्यूएबल एनर्जी। और आप अच्छे तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जानते हैं, वो सोर्सेज जिनको आप दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, जैसे पानी, हवा, ये सब आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी डे है आपका, ये मनाया जाता है आपका कब? 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और इसको, इस डे की शुरुआत कब की गई थी? इस डे की शुरुआत की गई थी वर्ष 2004 में। क्यों की गई थी शुरुआत? जिससे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा सके, जिसको अक्षय ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको यहाँ पे हम यूज़ करते थे। 2004 से इसको स्टार्ट किया देखो, क्योंकि आपको पता है अगर आप ट्रेडिशनल सोर्सेज का यूज़ करते हैं एनर्जी के, तो वो ज़्यादा खतरनाक साबित भी हो सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि ख़त्म होने वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। विद विच कंट्री इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू लॉन्च सप्लाई चैन रिजिलेंस इनिशिएटिव। देखिए किस देश के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया आपूर्ति श्रृंखला का जो लचीलापन पहल है उसको शुरू करने जा रहा है। आंसर करेंगे सप्लाई चैन रेजिलेंस इनिशिएटिव की बात करेंगे। रेजिलेंस माने होता है लचीलापन किसी चीज में। इस वीडियो को आप मैक्सिमम लाइक कर दें और लाइक कर दें के बाद शेयर भी कर दें, जो आपके दोस्त हैं उन सब के पास इस वीडियो को पहुंचा देना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो के पास उनको पहुंचा दें, ये बात ध्यान रखेंगे जल्दी से। देखिए ये आपकी जो कंट्री है जिसके साथ भारत ने सप्लाई चैन रेजिलेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो ये है आपकी जापान, ठीक है। जल्दी से मुझे आंसर करें, आपके सामने इंडिया आपके दिमाग में आ रही है, इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया आपके सामने आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ आपको यहाँ पे जापान देखने को मिल रहा है। अब मुझे बता दो एक कंट्री वो कौन सी है जिसके मिलने से यहाँ पे क्वैड बन जाएगा,
क्वैड मतलब क्वाड्रिलेटर नहीं, क्वैड का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग बन जाएगा। आपको पता है क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग चार देशों के बीच में एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है। आंसर करें, वो चौथी कंट्री जो क्वैड का मेंबर आप बोल सकते हो, आंसर करें जल्दी, सब लोग आंसर करें। बहुत बढ़िया भाई, विश्वनाथ, रोशन जहां, अनिर्बन, साहिल राजन, यूएसए, बहुत बेहतरीन। तो चौथी कंट्री कौन सी आपकी? यूएसए, जिसके मिलने से कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग बनता है। बट क्वेश्चन थोड़ा अजीब था, क्या था क्वेश्चन? कि सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखें ये चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना का मुकाबला करने के लिए ऐसा इनिशिएटिव लिया गया। और ये इनिशिएटिव स्टार्ट या प्रपोज करने की अगर हम बात करते हैं तो जापान की साइड से आया था, सो डैट चाइना से जो चीन से जो भी डिपेंडेंसिंग कंट्री की है, जो निर्भरता है, उसको कम किया जा सके बिल्कुल हर तरीके से। समझ में आ रही है बात? ये जो इनिशिएटिव लिया गया ये जापान ने लिया था। क्यों लिया था? चाइना को काउंटर करने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बात करेंगे कौन से शहर में स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी को लॉन्च किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी कौन से शहर में लॉन्च की गई है? स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुरुआत कौन से शहर में की गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोदी साहब हमारे सफाई वाले बहुत हैं, सफाई करते रहते हैं, कहीं पे भी झाड़ू लेके, कहीं पे कूड़ा बीनना इनका मतलब हॉबी बोल सकते हो आप, हॉबी है। तो उसी उपलक्ष्य में आपसे बोलना चाहूँगा, स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी की बात करूँगा तो कहाँ पे शुरुआत की गई। तो जब भी कभी कोई आंसर समझ में ना आए तो आप ध्यान रखना न्यू दिल्ली आंसर लगा के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस कुछ ही क्वेश्चंस के लिए याद रखें, कभी हर क्वेश्चन में तुक्का मार दो। और इसको जो लॉन्च किया गया, अकादमी की जो शुरुआत की गई, ये आपकी गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत आपके मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं ये आपके जल शक्ति के मिनिस्टर हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आपको पता है एक कैंपेन गंदगी मुक्त भारत, क्या बोला? गंदगी मुक्त भारत, उस कैंपेन का ही पार्ट आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। गंदगी मुक्त भारत जो कैंपेन चलाई गई है उसी का पार्ट है आपका स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये भी इंपॉर्टेंट, क्या है? कौन से राज्य में इंडियन रेलवे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है वर्ल्ड का टॉलेस्ट पियर ब्रिज, सबसे लंबा घाट पुल दुनिया का, ये किस राज्य में आपने यहाँ पे देखने को मिलेगा? कौन से राज्य में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के द्वारा? देखिए पेपर में क्वेश्चन अगर वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज के नाम से भी आए तब भी आंसर ये ही होगा। तो ऑब्वियस बात है उल्टा भी पूछा जा सकता है, किसने कंस्ट्रक्ट किया है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया। समझ में आ रही है बात? अब किसने किया है तो याद रखेंगे, ये किया गया किसके द्वारा? मणिपुर के द्वारा। किसके द्वारा? मणिपुर के द्वारा किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक रिवर का नाम भी याद रखें, इजय। क्या नाम है रिवर का? आपको अगर ये रिवर याद ना हो तो जय रिवर तो याद कर सकते नहीं कर सकते, बताओ जय याद रहेगा नहीं रहेगा? तो आई ना याद करके जय याद कर लो। तो जय रिवर के पास अक्रॉस इस पर्टिकुलर लंबे घाट पुल को बनाया गया है और दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल। देखिए पीर माने होता है घाट, पीर किसको बोलते हैं? घाट को बोलते हैं। घाट आप लोग जानते होंगे किसे बोला जाता है। इस वीडियो को लाइक कर दें और मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करेंगे, मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं। सब लोग इसको शेयर करें, सबसे पहले तो जो भी आपके डियर वंस हैं उनके पास इसको शेयर करने की प्लीज कोशिश करेंगे। अच्छा अब दिमाग में आ रहा होगा सर इतना बड़ा घाट पुल बनाने की जरूरत क्या थी? देखो होता क्या है, जब आप किसी रिमोट एरियाज में यानी कि बहुत दूरस्थ प्रदेशों पे जाने की इच्छा जाहिर करते हैं तब वहाँ पे आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यातायात के सुगमता के लिए इस तरीके के ब्रिज अमूमन बना दिए जाते हैं। समझ रहे हैं? तो वर्ल्ड का टॉलेस्ट पियर ब्रिज कहाँ पे है? मणिपुर में। रिवर कौन सी है? जय के अक्रॉस आपको देखने को मिलेगा। बाकी कैपिटल सबको पता है और इनके
राज्यपाल के नाम भी आपको पता है, जगदीश मुखी की बात की जाएगी। जरा जल्दी से मणिपुर के राज्यपाल का नाम बताएं, नागालैंड के नाम बताएं और अरुणाचल प्रदेश के नाम बताएं। एक मैंने बता दिया, तीन आप बताएंगे बाद में, काफी इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ओकलेज ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। ओकले का ब्रांड एम्बेसडर भारत में कौन से क्रिकेटर को बनाया गया है, क्या है उन क्रिकेटर का नाम, आंसर करें, जल्दी से आंसर करेंगे। नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ओकले ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। हाँ जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, सब लोग आंसर करें और जल्दी से इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करेंगे। कर सकते हैं शेयर तो जल्दी से शेयर करें। देखिए, जो भी आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं, किसी के पास भी वीडियो ऐसा ना हो कि ना पहुंचे, सबके पास वीडियो पहुंच जानी चाहिए। तो याद रखेंगे, ओकले के ब्रांड एम्बेसडर भारत में कौन है, इनका नाम क्या है, मिस्टर रोहित शर्मा। कौन है आपके, रोहित शर्मा। अब ये ओकले क्या है, तो याद रखेंगे ओकले आपकी स्पोर्ट्स आई वियर ब्रांड आप कह सकते हैं। स्पोर्ट्स आई वियर ब्रांड अगर कोई है तो वो कौन सी है आपकी, ओकले, इस बात को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 20 अगस्त। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है टू कमेमोरेट, यानी कि किसी की याद में, किसकी याद में, देखते हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी कि इनका जयंती होती है, जिनका जन्म हुआ था। कौन से व्यक्ति हैं जिनके नाम पे सद्भावना दिवस मनाया जाता है, आंसर करें जल्दी से भाई, तेजी के साथ आंसर करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें। हाँ जी, ध्यान रखेंगे बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, किसकी, राजीव गांधी की, किसकी, राजीव गांधी की। राजीव गांधी जी की बर्थडे पे सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 20 अगस्त 1944 को हुआ था। कब हुआ था, 20 अगस्त 1944 को हुआ था। इनकी हत्या कर दी गई थी, आपको ये भी डेट याद रखनी है, 21 मई 1991, 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कौन से देश के साथ भारत ने कल्चरल एग्रीमेंट पे साइन किया है, सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ यहाँ पे भारत ने किसके साथ सांस्कृतिक समझौते पे साइन कर रहा है, कल्चरल एग्रीमेंट पे साइन कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर इस तरीके के सांस्कृतिक समझौते होते रहते हैं। आपको पता है दो देशों के बीच में, मान लीजिए एक देश ए है एक देश बी है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्रीमेंट साइन होते हैं, कहीं पे पॉलिटिकल होते हैं, कहीं पे इकोनॉमिकल होते हैं, कहीं पे आपके ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के ऊपर होते हैं, कहीं पे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग होते हैं, कहीं पे डिफेंस के रिगार्डिंग होते हैं, कहीं पे कल्चर के रिगार्डिंग होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पोर्शन जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये जो कल्चर एग्रीमेंट आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये इसलिए किया गया है जिससे जो पीपल टू पीपल टाई है, पीपल टू पीपल टाई का मतलब होता है कि भारत लोगों से लोगों के साथ के जो संबंध हैं उसको बढ़ावा मिल सके। और ऐसा किसके साथ किया गया, इसराइल के साथ किया गया। और आप लोग इतने समझदार हैं, आपने पहले ही कैपिटल बता दी, इसराइल की कैपिटल है आपकी जेरूसलेम और करेंसी है आपकी न्यू शकेल। अल्जीरिया की कैपिटल आपको पता है अल्जीरियस, लेबनान की आपको पता है आपकी बेरूत, और इराक की भी जल्दी से बता दो क्या है, ईरान की तेहरान, इराक की बागदाद, याद रखेंगे। ये गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था पुत्रियों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर, है ना, यहाँ पे संपत्ति के अधिकार के ऊपर एक पर्टिकुलर जजमेंट दिया गया। कौन से एक्ट के तहत ये आपका जजमेंट दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बेटियों के संपत्ति के अधिकार पर निर्णय लिया है, आंसर करेंगे। देखिएगा भैया, बड़ौत का नाम क्यों लिख दिया है, बड़ौत नहीं बेरूत, बड़ौत को अगर कैपिटल बना देगा लेबनान की, बड़ौत वाले बेच के खा जाएंगे सारे, हैं बड़ौत के लोग बहुत कड़े होते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे कौन सा एक्ट है, तो इस प्लीज एक्ट को दिमाग में बिठा के रखेंगे, ये एक्ट है हिंदू सक्सेशन, और सबसे पहले दिमाग में बैठा लें कि अमेंडमेंट किया हुआ है, इसमें संशोधन है, 2005 का जो एक्ट है,
अगर आप क्लास सिक्स की पॉलिटी की किताब पढ़ चुके हैं, कभी किसी बच्चे को पढ़ा चुके हैं, वहाँ पे इसके बारे में आपको सतही जानकारी आपको मिली होगी, इस चीज़ के बारे में याद रखेंगे। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 को यहाँ पे क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके तहत क्या है, इसके तहत ये रूल है कि आप अपनी बहनों से बहुत प्यार से बात करेंगे, अगर प्यार से बात नहीं करेंगे तो आपके बापू की जो प्रॉपर्टी है उस पर आधा हिस्से का हकदार आपकी बहन भी है। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? अगर आपके पापा के पास एक मकान है मान लो, तो उस मकान के दो हिस्से होंगे एज पर दी रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो अपनी बहनों को बहुत प्यार से रखें जिससे वो अपना हिस्सा इन फ्यूचर कभी ना लें, और अगर वो हिस्सा लेने पे आ गई तो आपको हिस्सा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी पे उनका बिल्कुल अधिकार है, याद रखेंगे। समझ में आ रही है? इक्वल राइट है, इस बात को ध्यान से समझें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे टू बी नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? देखिए, ये सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन। पहली बात तो जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है वो चीज़ों का नाम चेंज ना करे तो ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ, उनको एक डेवलपमेंट, उनका विकास का जो जरिया है देखने का, वो ये भी है कि आप शहरों के रेलवे स्टेशन के नाम चेंज कर दो, चौक के नाम चेंज कर दो, तो क्या होगा, चौक के नाम अगर आप चेंज कर दोगे तो आपका विकास होता है। तो हमारी उसी सोच पे यहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब जी ने ये कहा था, क्या कहा था, कि जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत महान शख्सियत हैं तो इसका कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ये आपको देखने को मिला। समझ में आ रही है बात? और ये एक ट्रिब्यूट दिया गया। एक ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी की जो डेथ एनिवर्सरी थी, सेकंड डेथ एनिवर्सरी, आपको जानकारी होगी 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी, 2020 की बात यहाँ पे कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सामने आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च की है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी? क्या बात है, अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था जिस राज्य की, उस राज्य का दोबारा से नाम आ रहा है, आंसर करेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति है ये किस राज्य के द्वारा लाई गई है? आंसर है उत्तर प्रदेश। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये है, 40,000 करोड़ रुपए का भैया इन्वेस्टमेंट आएगा। कितने करोड़ रुपए का? 40,000 करोड़ रुपए का आएगा। अरे कितने का आएगा? 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। कितने सालों में आएगा? 5 साल में। किसके तहत आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत आएगा। क्या बात समझ में आ रही है भैया? नहीं समझ में आ रही, ठीक है। और इससे क्या होगा? इससे दो रीज़न है आपके, एक तो बुंदेलखंड, यूपी वाले बच्चों को पता होगा, यूपी में एक आपका बुंदेलखंड और एक आपका पूर्वांचल, इन दोनों एरिया का डेवलपमेंट किया जाएगा। समझ में आपको बात आ रही होगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और मैक्सिमम शेयर कर दें। देखिएगा, इसीलिए कोई भी हम सिंसियरिटी के काम नहीं करते, बच्चे बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी अपनी शो नहीं करते बीच बीच में। राज्यपाल आप सबको पता ही हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल की बात करूंगा तो बनवारी लाल पुरोहित की बात करूंगा। गुजरात के आपके कौन है, क्या नाम है, गुजरात के आचार्य देवव्रत, कर्नाटक के आपके वाजू भाई, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड मॉस्किटो डे आपका कब मनाया जाता है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, विश्व मच्छर दिवस आपका मनाया जाता है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को भी हमने इससे पहले कौन सा दिन और मनाया था? आंसर करो, 20 अगस्त को इससे पहले अभी हमने कौन सा दिन और मनाया था? आंसर करेंगे जल्दी से। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे की बात करेंगे तो 20 अगस्त को मनाया जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कई रोगों की जहाँ पे खोजबीन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया, भारत की यहाँ पे स्थान पूछ रहा है, सेकंड एडिशन यानी कि द्वितीय संस्करण में, किसके, एक ग्लोबल रिसर्च हुई थी, वैश्विक यहाँ पे शोध हुआ था, किसके ऊपर, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के ऊपर। किसके ऊपर? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के ऊपर हुआ था। इसको ध्यान रखें, इसको रिलीज किया था सर्फ शार्क ने। किसने रिलीज किया था? सर्फ शार्क ने रिलीज किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये क्या है? ये एक तरीके की ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये कैसी कंपनी है? ये ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है आप लोगों का, प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है सर्फ शार्क। इसने एक रैंकिंग निकाली
डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020, इसके अकॉर्डिंग जो भारत की रैंक है वो कितनी है, 57 है, कितनी है, 57 है। कितनी कंट्री पर रिसर्च की गई थी, 85 कंट्री पे की गई थी। कितनी कंट्री पे की गई थी, 85 कंट्रीज पे की गई थी। समझ में आ रही है? टॉप किसने किया है इसमें, इसमें टॉप किया है आपका डेनमार्क ने। किसने टॉप किया है, डेनमार्क ने। और डेनमार्क की जो आपकी कैपिटल है सबको पता है, कोपेनहेगन की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, कोपेनहेगन की बात करता हूँ। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की अगर मैं आपसे बात करूँगा तो भारत की कौन सी रैंक है, 57 है आउट ऑफ 85 कंट्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड 1 मिलियन यूरो प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को जरा ध्यान से समझेंगे, 1 मिलियन यूरो प्रोजेक्ट है, 1 मिलियन यूरो का। और जो समझदार बच्चे हैं इसका ऑप्शन तुरंत समझ गए होंगे, सर मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है निर्माण श्री। क्या नाम है प्रोजेक्ट का, निर्माण श्री। और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आपका ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था, जैसे मैंने आपको कल वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात बताई थी, ऐसी यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे फॉर पर्टिकुलर स्किलिंग वुमेन इन हाउसिंग सेक्टर, जो आपकी महिलाएं हैं उड़ीसा में, जो आवास क्षेत्र में महिलाओं को कौशल प्रदान करने के लिए स्पेशली, समझ में आ रही है, महाराष्ट्र और उड़ीसा में वुमेन्स को यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर में कौशल प्रोवाइड करने की बात की गई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे, समझ में आपको आ रही होगी। तो आंसर क्या होगा आपका, यूरोपियन यूनियन। क्या है आंसर, यूरोपियन यूनियन। सबके हेडक्वार्टर्स आपको पता है, आशियान का क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आशियान का जकार्ता आपका हेडक्वार्टर है, आपको पता होगा। एशियन डेवलपमेंट का मंडला योंग फिलीपींस में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का चाइना में, और यूरोपियन यूनियन का आपका बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात, सारे अलग अलग जगह पे हैं, चारों अलग अलग। आशियान का जकार्ता इंडोनेशिया में, एशियन डेवलपमेंट बैंक का फिलीपींस में मंडला योंग में, यूरोपियन यूनियन का बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का चाइना बीजिंग जिसे आप बोलते हो, बीजिंग में आपको देखने को मिलेगा। समझ में आपको आ रही है बात, सारे हेडक्वार्टर्स भी आपको उम्मीद करता हूँ सबको याद हो गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, सारे हेडक्वार्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर तरीके से आपको चीज़ों को समझने की सख्त जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड $1 बिलियन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। सबसे पहले तो क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लीजिएगा, अगर आपको कहीं पे भी RRTS दिख जाए तो तुरंत आंसर याद रखना, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। सर एक बात ध्यान रखें, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कहां से कहां तक है, तो याद रखेंगे दिल्ली से लेके मेरठ तक का है। अगर इसकी डिस्टेंस पूछ ली जाए तो याद रखेंगे 82 किलोमीटर का है। जो बच्चे दिल्ली NCR में रहते हैं और कभी मेरठ से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आपको नीले कलर के बोर्ड पे बार बार RRTS लिखा हुआ मिलेगा या रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का आपके देश में रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है NCR का। देखिए एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ, एक NCR का नियर कैपिटल रीजन्स का रीजनल प्लान आया था 2021 की बात जो कर रहे हैं हम, आया था मतलब उसमें 2021 को टारगेट किया गया है, तो उसके तहत यहाँ पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे फंड दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, किसने फंड दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, RRTS की फुल फॉर्म, कहाँ से कहाँ तक कनेक्शन है और कितने किलोमीटर का है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आगे आपके सामने, विद विच सिटी पुलिस, कौन से शहर की पुलिस के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रोवाइडिंग धनवंतरी रथ। ठीक है, तो यहाँ पे किस शहर की पुलिस के साथ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने धनवंतरी रथ प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिएगा ये कुछ भी नहीं है, ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, दिल्ली में आपको देखने को मिला, दिल्ली सिटी पुलिस की बात यहाँ पे मैं करूँगा। और स्पेशली यहाँ पे जो पुलिस आपकी फैमिलीज हैं, जो पुलिस के परिवार थे, उनके घर पर आयुर्वेद की सर्विसेज को प्रोवाइड करवाए जाने की बात की गई थी। उनके घर पर क्या की गई थी, आयुर्वेद की सर्विसेज को प्रोवाइड करवाए जाने की बात की गई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे।
तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस पैंडेमिक में आप लोग सब लोग जानते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से जो आपकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको प्रिवेंटिव और उनके प्रमोटिव जो भी मेजर्स हो सकते हैं वहां पे ले जाने की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, धन्वंतरी रथ याद रखेंगे, दिल्ली की बात मैं आपसे करूंगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे किताब है, इस किताब का नाम है डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प, ठीक है। अगर ये आपके सामने कभी किताब आती है, शॉर्ट में भी आ सकती है, डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी, ये भी आ जाए टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प, तो आप आंसर याद रखेंगे, इनका नाम है माइकल कोहेन। क्या नाम है? माइकल कोहेन का नाम आप लोग याद रखेंगे, ये अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन की रेंज में आप इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन है। अच्छा भाई साहब, कीथ रोवले की बात करूंगा। कीथ रोवले हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री तो उसमें है ही नहीं, हमें आपको पता है सिंगल ऑप्शन यहां पे आपको देना है, तो भैया आंसर करो क्या होगा इस क्वेश्चन का। कीथ रोवले निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो याद रखें आपको जानकारी होनी चाहिए उस कंट्री का नाम क्या है, त्रिनिदाद। क्या बोला? त्रिनिदाद। क्या आपको मैप में दिख रही है साफ साफ? एंड पर्टिकुलर तोबागो। क्या बोला? तोबागो या तोबागो, जो बोलना चाहो बोल दो। देखिएगा ये कंट्री है आपकी त्रिनिदाद एंड तोबागो, ये मार्क कर रखी है। पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है, पोर्ट ऑफ स्पेन इज द कैपिटल ऑफ त्रिनिदाद एंड तोबागो। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? त्रिनिदाद एंड तोबागो के जो आपके प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? कीथ रोवले। और कहाँ पड़ती है आपकी? देखिए ये आपका जो मैप है ये नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है, ये आपका साउथ अमेरिका का है। वैसे तो सेंट्रल अमेरिका की मैं बात करूंगा आपसे, पूरा सेंट्रल अमेरिका का रीजन है। अभी जिसको नहीं पता अभी ऐसी समझ लो, अभी इतना ध्यान रखो कि साउथ अमेरिका में आपका कॉन्टिनेंट में आप इसको देख सकते हैं। कौन से कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देख सकते हैं। तो त्रिनिदाद तमाको की बात, तमाको मत बोल देना, तबाको या तोबैको बोल, जो बोलना चाहो बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है, तो बेको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे। देखिए हाउ मच अमाउंट एज डिविडेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना यहाँ पे लाभांश दिया गया है, हैज बीन अप्रूव्ड, और इस लाभांश को किसने अप्रूव्ड किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ने। और इसको हेड कौन करते हैं? आपको पता है गवर्नर करता है, शक्तिकांत दास इस समय वर्तमान गवर्नर है। तो भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितना रुपया यहाँ पे अप्रूव किया गया, तो ध्यान रखें कितना रुपया अप्रूव किया गया, याद रखिएगा ये किया गया 57,128 करोड़ रुपए। कितना किया गया? 57,128 करोड़ रुपए यहाँ पे ये डिविडेंड, डिविडेंड माने समझते हैं आप लोग, लाभांश का मतलब समझते हैं, लाभांश का मतलब होता है लाभ का अंश। जैसे मान लो ये आपने कोई शेयर है, मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी ने आपने इसके 10 लोग थे, 10 लोग ने इसके शेयर लिए 100 रुपए के हिसाब से, ठीक है, इसके पास कितने रुपए आ गए? 1,000 रुपए आ गए। इस कंपनी को प्रॉफिट हो गया कितने का? 1,200 रुपए का, मान लो तो 200 का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, अब 200 का प्रॉफिट 10 में बटेगा तो एक ही क्या हो गई आपकी? लाभांश हो गई, 20-20 रुपए सबको मिल जाएंगे। अरे बात समझ में आ रही है? लाभ का मतलब होता है लाभ का अंश। तो अमूमन ये टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? शेयर मार्केट में ज्यादा यूज करते हैं डिविडेंड की टर्म को, आपको पता होगा शेयर मार्केट में डिविडेंड टर्म को यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच बैंक हैज लॉन्च्ड डिजिटल अपनाए कैंपेन। देखिएगा ऑब्वियस बात है डिजिटल अपनाने की बात कर रहे हैं भाई साहब, तो किसकी बात कर रहे हैं? डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए, डिजिटल बैंकिंग को एंकरेज करने के लिए डिजिटल अपनाए कैंपेन चलाई गई है। कौन से बैंक ने चलाई? आपकी पंजाब नेशनल बैंक ने चलाई। किसने चलाई? पंजाब नेशनल बैंक ने चलाई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? पंजाब नेशनल बैंक का इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। जहां पे भी आपको पंजाब दिख जाए, हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। जैसे दूसरा बैंक कौन सा है पंजाब के नाम से? पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इतना आसान है कैंपेन, ये कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सी कंपनी के द्वारा इतना आसान है अभियान शुरू किया गया? आंसर करेंगे जल्दी से। इतना आसान है कौन सी कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? याद रखेंगे ये किया गया आपका अमेजन के द्वारा, ठीक है, या अमेजोन बोलना चाहो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अमेजन के द्वारा किया गया आपका इतना आसान है कैंपेन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है,
who has been appointed the head of the inquiry panel formed by Aircraft Accident Investigation Board to inquire Kozhikode plane crash. आपको पता होगा कोझिकोड़े में विमान दुर्घटना हुई थी, उसकी जांच के लिए एक एयरक्राफ्ट यानी कि विमान एक्सीडेंट माने दुर्घटना जांच बोर्ड, तो विमान दुर्घटना जांच बोर्ड एक गठित किया गया और ये आप ध्यान से देख सकते हैं 5 सदस्यीय जांच था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैनल, लिख देता हूँ पैनल कितने का, यहाँ पे तो हिंदी में लिखा हुआ है 5 मेंबर का पैनल था। कितने मेंबर का पैनल था? 5 मेंबर का पैनल। उसको हेड कौन कर रहे हैं आपके? इसको हेड कर रहे हैं आपके मिस्टर SS चाहर साहब। कौन कर रहे हैं? SS चाहर साहब। शेखर सिंह मांडे सबको पता है CSIR, बलराम भार्गव साहब आपके ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सब लोग जानते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो 5 मेंबर का जो इंक्वायरी पैनल था जो ये चेक करेगा कोझिकोड़े प्लेन क्रैश के बारे में, तो उसके जो हेड हैं इंक्वायरी के, तो वो कौन बनाए गए थे? SS चाहर साहब बनाए गए थे। समझ रहे हैं? तो आपको पता होगा 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, 18 लोग को मारा गया था, किल्ड हो गए थे, मर गए थे, ये बात जानकारी रखें इस दुर्घटना में। कोझिकोड़े कहाँ पड़ता है? कोझिकोड़े पड़ता है केरल में, है ना। IIM कोझिकोड़े आपने सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड़े, भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड़े आपने कई बार सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स पर्टिकुलर मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन रीनेमिंग हैज बीन अप्रूव्ड बाई दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा किस राज्य के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम रखने की मंजूरी दी है? ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने आपसे बताया है, हमारे भारत में एक राज्य ऐसा है जो नाम बदलने के ऊपर 100% फोकस रखता है, तो बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे कौन से राज्य का ये मंडुआडीह जो रेलवे स्टेशन है, तो इसका नाम यहाँ पे बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ध्यान से समझेंगे, अप्रूवल किसने दिया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया, गृह मंत्रालय ने दिया। समझ में आ रही है? इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के आपके जो कौन हैं राज्यपाल हैं, पता ही, आनंदीबेन पटेल, बिहार के फागू चौहान, मध्य प्रदेश के भी आनंदीबेन पटेल और वेस्ट बंगाल के जगदीप धनखड़ साहब। तो बनारस रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच सिटी हैज वॉन इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी टाइटल इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 फॉर 4th कॉन्सिक्यूटिव टाइम? आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार 4th बार यहाँ पे जीत हासिल की है या टाइटल यहाँ पे रखा है? तो याद रखेंगे ये सिटी है आपकी इंदौर। इंदौर कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, सबको इस चीज़ की जानकारी है। और ये अवार्ड किसने प्रेजेंट किए? तो आपके केंद्रीय शहरी मंत्री की बात यहाँ पे करूँगा, यूनियन अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि शहरी मंत्री ना बोल के अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास बोलूँगा, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा। इनका नाम क्या है सब लोग जानते होंगे, हरदीप सिंह पुरी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, सुना या नहीं सुना? तो आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा वर्चुअली फंक्शन अटेंड हुआ था और इन्होंने यहाँ पे MP को इंदौर में, जो इंदौर है यहाँ पे, इसको क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल दिया। और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपसे इससे शुरुआत आपसे कर ली जाएगी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, आइए देखते हैं, विच स्टेट विद ओवर 100 सिटीज, ठीक है, 100 से अधिक शहर वाला राज्य, मतलब 100 इस शहर, इस राज्य में 100 से अधिक शहर हैं, हैज वॉन्स इंडियाज क्लीनेस्ट स्टेट, यानी कि 100 से ज़्यादा राज्यों के, 100 से ज़्यादा शहरों का जो राज्य है उसमें इंडिया की जो क्लीनेस्ट स्टेट रहा है, सबसे स्वच्छ राज्य रहा है, उसका खिताब किसके पास जाता है? तो याद रखेंगे ये जाता है छत्तीसगढ़ राज्य के पास। छत्तीसगढ़ राज्य को ओवर 100 सिटी का, जो भी आपके राज्य हैं जहाँ पे 100 सिटी से ज़्यादा हैं उसमें क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड आपको जाता हुआ दिखेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। राज्यपाल सब लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड किसको अपॉइंट किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये किया गया है रितेश शुक्ला को। समझ में आ रही है बात? देखिए ये जो आप देख रहे हैं NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ठीक है, ये आपके NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी सब्सिडरी है।
क्या है, सब्सिडरीज की सहायक कंपनी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। जो यूपीआई को, यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो यूपीआई को देखती है और रुपे कार्ड को देखती है ग्लोबली, कौन देखती है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, आइए देखते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ गो एयर, गो एयर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम आपसे पूछ रहा है, कौन है, आंसर करें। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम, तो याद रखेंगे कौशिक खोना। क्या बोला, कौशिक खोना आपके न्यू सीईओ हैं गो एयर के। किसके, गो एयर के क्या हैं, न्यू सीईओ हैं कौशिक खोना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के न्यू डायरेक्टर जनरल, न्यू महानिदेशक, नए महानिदेशक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के किसको बनाया गया है, आंसर करेंगे भाई। देखिएगा, सब लोगों को नाम पता होगा इनका, सब लोगों को पता होगा, राकेश अस्थाना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे कौन सा दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो राकेश अस्थाना जो हैं, ये आपके गुजरात कैडर के, यानी कि गुजरात स्टेट के, इनके पास कैडर था गुजरात कैडर के, इंडियन पुलिस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, पहली बात तो ये। ठीक, दूसरी बात, जब ये इस पद पे विराजमान हुए, इस पद के टाइम पे जब इनको विराजमान किया गया था, तो आपको पड़ा पता होगा एक आपका ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है ना, नागरिक उड्डयन की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। क्या बोला सर, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, अरे बात समझ में आ रही है, BCAS की बात कर रहा हूं, उसके ये कौन थे, डायरेक्टर जनरल थे। अब इस BCAS से दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन, इनके जस्ट बाद एक फीमेल को बना दिया गया था DG, ठीक है, तो उसका नाम आपको मुझे बताना है, और दूसरा वर्तमान में कौन है, एट प्रेजेंट कौन है, उनका नाम बताना है। दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, दोनों ही क्वेश्चन ये मैं आपको ऑलरेडी क्लास में करवा चुका हूं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय का नाम आपको बताना है, मेघालय के नए राज्यपाल, सबको पता है, आंख मीच के आंसर करेंगे, सत्यपाल मलिक। इससे पहले कहां के थे, गोवा के थे, गोवा से पहले कहां के थे, जम्मू कश्मीर के थे, जम्मू कश्मीर के लास्ट गवर्नर, जम्मू कश्मीर के अगर मैं आपसे लास्ट गवर्नर की बात करूंगा, आखिरी राज्यपाल की बात करूंगा, तो किसका नाम सामने आएगा, आपके सत्यपाल मलिक का नाम सामने आएगा। क्यों आएगा, ये भी जानकारी आप लोगों को भली भांति तरीके से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ऑन विच डेट एवरी ईयर वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड। तो जरा इससे पहले क्वेश्चन का आंसर करो, बताओ नेशनल फोटोग्राफी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, और अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो सबको पता है 19 अगस्त को मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ एक दिन आप और याद रखेंगे, कौन सा, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, कौन सा डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की बात यहां पे करूंगा, ह्यूमैनिटेरियन डे, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, विश्व मानवतावादी दिवस। क्या बोलूंगा मैं, एक बार दोबारा समझ लें, विश्व मानवतावादी दिवस, मानवतावादी दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है आपका, 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द स्कोर ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी वैलिड, आपके मतलब का क्वेश्चन है। जरा इस वीडियो को एक बार शेयर तो कर दो, इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा भाई, और लाइक कर दें इसे जितना कर सकते हो, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा इसको। उम्मीद करूंगा कि आप इसको जल्दी से शेयर करेंगे, अच्छे तरीके से शेयर करेंगे, मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, मैं बोल रहा हूं आपसे, जो कितने साल तक सीईटी का स्कोर आपका वैलिड रहेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो स्कोर है आपका वैलिड रहेगा। देखिए सीईटी के स्कोर की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये आपका वैलिड रहेगा 3 साल तक। कितने साल तक, 3 साल तक। थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड समझ लें थोड़ा सा। चलिए देखिएगा क्या हुआ कि आपका जो कैबिनेट है, जो आपकी कैबिनेट है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की जो मेन कैबिनेट है, इन्होंने क्या किया, एक NRA के गठन के ऊपर बात की। NRA का मतलब क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। क्या बोला,
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात, क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है, यानी कि राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा। क्या बोला? राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा। दोबारा समझ लें, कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा को अप्रूव किया, पहली बात। समझ में आ रही है बात? अब ये क्या करेगी, ये जो एजेंसी है, ये जो आपकी भर्ती एजेंसी है, क्या करेगी? ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रोवाइड करवाएगी, सीटी प्रोवाइड करवाएगी। समझ में आ रही है? यानी कि सामान्य पात्रता परीक्षा, हिंदी क्या होगी इसकी? सामान्यता पात्रता परीक्षा कंडक्ट करवाएगी, पहली बात। समझ में आई? अब क्या होगा इससे, सीटी से जितने भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, कौन सी जॉब है? सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्लस जितने आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो इनमें आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी। एक आपका एग्जाम होगा, एक प्रॉपर आपका एग्जाम होगा, सीटी का एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे आप अपनी जो भी आपका स्कोर कार्ड होता है उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी। ध्यान रखें, दो पॉइंट हर स्टूडेंट को ध्यान रखने हैं। पहली बात, एक तो ये जो पोस्ट होंगी नॉन गजेटेड होंगी, ठीक है? नॉन गजेटेड मतलब राजपत्रित अधिकारी आप नहीं बनेंगे, गैर राजपत्रित पोस्ट हैं आप लोगों की। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए हैं। किसके लिए हैं? ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए। ये बात आप जानते हैं, इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि आज की डेट में, अभी तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है, अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो अपना नोटिफिकेशन नहीं देता तो वो इसी जॉब के अंतर्गत आपको देखने को मिलता। 3 साल का यहाँ पे आप इसको देख पाएंगे, और जो आपका स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, और आप डिफरेंट सेक्टर में आपकी जो आपकी प्रिफ्रेंसेस है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे रहेंगे। हाँ, अभी सिलेबस आपका मेंशन नहीं किया गया, तो देख सकते हैं आप, अगर आप सिलेबस की बात करते हैं तो दोनों को कंबाइंड रूप से रख के आपका सिलेबस बनाया जाएगा, तो आप जानते हैं। तो ऑब्वियस बात है, इंग्लिश तो होगी ही, मैथ्स भी होगी, रीजनिंग भी होगी, जीएस होगी। वेटेज सबसे ज़्यादा किसका होगा? जीएस का होगा। जीएस और जनरल अवेयरनेस की बात करूँगा, सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे इस चीज़ का होने जा रहा है। कम से कम इंटेलिजेंस ब्यूरो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीएस जीए का वेटेज हमेशा हर पेपर में 40-50% रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? विच स्टेट सैंट क्रिस्टोफर स्कूल, या क्रिस्टोफर की बात करूं, चेसोर हैज वॉन द फर्स्ट एवर पल्ली कुत्तम, यार कुछ गलत मत बोल देना कभी, कुत्ता उत्ता कर लो, पल्ली कुत्तम अवार्ड है ना, पल्ली कुत्तम अवार्ड की बात करूंगा, पल्ली कुत्तम पुरस्कार की बात। भैया 3 साल का है, 2 साल नहीं है, 3 साल का, अगर मैं आपको बता रहा हूं तो 3 साल ही है, है ना? अगर आपको लगता है 2 साल है तो मैं एक बार और दोबारा चेक कर लूंगा, वैसे मुझे जो पता है वो 2-3 साल का ही है। पल्ली कुत्तम जो पुरस्कार है आप लोगों का, इसमें किस राज्य के सेंट क्रिस्टोफर स्कूल ने जीता है चेसोर में, तो ध्यान रखेंगे ये जगह कहाँ पड़ती है, ये जगह पड़ती है नागालैंड में। कहाँ पड़ती है भाई? नागालैंड में पड़ती है। बोलिए बात समझ में आ रही है? दूसरा प्राइज पता है किसने जीता है? दूसरा प्राइज जीता है डीएवी पब्लिक स्कूल हरियाणा में। जो डीएवी पब्लिक स्कूल है इसने जीता है सिल्वर अवार्ड। कौन सा अवार्ड जीता है? सिल्वर अवार्ड जीता है, याद रखें, हरियाणा के ने, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा अवार्ड यहाँ पे केरल में जीता गया सीएमआई क्रिस्ट स्कूल के द्वारा, ठीक है? ये बात ध्यान रखें, क्रिस्ट बोल दें चाहे तो जो बोलना चाहे बोल दो, कोई बात नहीं। बात समझ में आपको नहीं समझ में? तो क्या बोला मैंने आपसे, कौन से स्कूल को यहाँ पे, किसको यहाँ पे पल्ली कुत्तम पुरस्कार मिला है? तो भैया नागालैंड को मिला है, कैपिटल पता है कोहिमा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारे राज्यपाल आपको पता है, जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है आपके? मनोज सिन्हा। मणिपुर के तो आपको पता ही है हेपतुल्ला जी। नागालैंड के भी आपको पता है, चंडीगढ़ के कौन है एलजी आपके एडमिनिस्ट्रेटर? वीपी सिंह बदनौर साहब। कौन है? वीपी सिंह बदनौर साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अच्छा क्वेश्चन है काफी। नेम दी इंडियन क्रिकेटर, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है मेल यानी कि पुरुष वर्ग में, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता, हु हैज वॉन अर्जुन अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले भारतीय पुरुष क्रिकेटर का नाम आपको बताना है, इनका नाम क्या है? याद रखेंगे इनके नाम की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इनका नाम है मिस्टर ईशांत शर्मा। किस क्या नाम है? ईशांत शर्मा। और अगर फीमेल कैटेगरी में बात करूंगा अर्जुन अवार्ड की, तो किसको जाता है? दीप्ति शर्मा को जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? इस वीडियो को आप लाइक कर दें जल्दी से,
और नोटिफिकेशन मैं समझता हूँ कि आपके पास क्लासेस क्या आ रहे हैं, नोटिफिकेशन में आपको कोई इशू नहीं हो रहा होगा, नोटिफिकेशन आप प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर बाई द ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो। हाँ जी, किसको यहाँ पे ई बाइक गो जो कि ई मोबिलिटी स्टार्टअप है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ध्यान रखेंगे, ये बनाया गया है हरभजन सिंह को, भज्जी को। किसको बनाया गया है? भज्जी को, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर का। ऑब्वियस बात है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, स्पेन, स्पेन कंट्री की बात करूंगा तो इसकी कैपिटल आपको पता ही है कहां पे है, मैड्रिड में देखने को मिलेगी। और यहां पे स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो टाइटल है वो जीता गया लुइस हैमिल्टन के द्वारा। इनके पास कार कौन सी है? सबको पता है मर्सिडीज है। कहां से है? ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। सबको इस चीज की जानकारी अच्छे तरीके से होगी। समझ में आ रही है बातें? नहीं समझ में आ रही? देखिए, जितना भी मैं आपको पढ़ाऊं, लास्ट टाइम में आप इसका रिवाइज करते हुए जरूर जाएंगे, सो डैट आपको पता लगे कि जितना आपने पढ़ा है आपको याद है या नहीं है। अगला क्वेश्चन, कितनी अमाउंट में, कितना जो राशि है यहाँ पे, ड्रीम इलेवन हैज़ वॉन द आईपीएल 2020 टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स। कितना पैसा यहाँ पे दिया गया आईपीएल की जो स्पॉन्सरशिप राइट्स अधिकार पाने के लिए? तो ध्यान रखें, ये जो डील साइन की गई थी 222 करोड़ रुपए की गई थी। कितने की? 222 करोड़ रुपए की गई थी। एक एजुकेशन कंपनी, एडटेक कंपनी इसमें लगी रही थी, लेकिन इसको स्पॉन्सरशिप, जो प्रॉपर स्पॉन्सरशिप है वो नहीं मिल पाई थी। ठीक है, याद रखेंगे पूरी तरीके की। तो यहाँ पे आईपीएल की बात करूंगा तो वीवो कंपनी के बारे में पता ही है, वीवो की कैंसिल हुई थी, तो यहाँ पे ड्रीम इलेवन कंपनी यहाँ पे आपके सामने आई थी। 222 करोड़ रुपए की ये स्पॉन्सरशिप राइट्स आपको देखने को मिले थे। ठीक है, होता क्या है कई बार, एक ऐसी कंपनी, एडटेक कंपनी, ये एडटेक कंपनी का फ्यूचर है, क्या फ्यूचर है सुनिएगा, किसी कंपनी के बारे में। आप शुरू में फिलेंथ्रोपिस्ट बनते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या है? आप अपने कोर्स को फ्री में ला रहे हैं, बाद में आप 200 करोड़ रुपए जेन्युइनली आप किसी स्पॉन्सरशिप को देने के लिए तैयार हैं। आप जान सकते हैं 200 करोड़ रुपए में भारत के एजुकेशन सेक्टर के कितने बच्चे पढ़ सकते हैं? आप किसी ऑनलाइन चैनल की अगर मैं बात करूं, या फिर आप किसी टीवी चैनल पे अपने डांस को परफॉर्म करवाने के लिए कई करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर आप 500 करोड़ रुपए किसी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं फॉर द एडटेक कंपनी, तो 500 करोड़ रुपए में भारत की शिक्षा की वो दशा हो सकती है जो कई बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, तो ऐसा ही चलता रहता है। जब भी कभी फीस ली जाए तो जेन्युइन फीस ली जाए, ये बात ध्यान रखें, और उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो। कभी भी कोई भी कंपनी जब आप कॉन्सेप्ट में है तो फीस जेन्युइन लो बच्चों से, ऐसा नहीं कि आप हवा मुंडी कर दो बिल्कुल भी और कोर्स के नाम पे आप कुछ ना प्रोवाइड करो, ये बात ध्यान रखें, कई बार ऐसा होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पंडित जसराज हु हैव पास्ड अवे रिसेंटली वाज है। पंडित जसराज की बात करूंगा जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वो कहाँ, क्या थे बेसिकली, किस रूप में जाने जाते थे, याद रखिएगा। मैं आपसे बात करूंगा, वो जाने जाते थे क्लासिकल वोकलिस्ट के रूप में, शास्त्रीय गायक के रूप में। किसके रूप में? शास्त्रीय गायक के रूप में जाने जाते थे। पंडित जसराज हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ क्लासिकल वोकलिस्ट, शास्त्रीय गायक, इस बात को ध्यान रखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंडित जसराज का संबंध किस खेल से है, ये बात ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट, कौन से देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर, क्या बोला, इब्राहिम बाउबकर कीता, नाम बड़ा अजीब लग रहा है आप लोगों को। इब्राहिम याद रख सकते हैं, चाहे तो बाउबकर याद रख सकते हैं, जो आपको याद रखना हो, इब्राहिम बाउब भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर बाबा याद मत कर लेना, कि बाबा याद कर लो। तो कौन से देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने इस्तीफा दे दिया है सैन्य विद्रोह के बाद? इस देश में सैन्य विद्रोह देखने को मिला और उसके बाद इस्तीफा दे दिया अपने पद से, जरा आंसर करें, वो कौन सा है पर्टिकुलर देश? तो याद रखेंगे, देश है आपका माली, कैपिटल सबको पता होंगी, इरिट्रिया की क्या है आपकी, असमारा, ठीक है, माली की क्या है आपकी, बामाको, बाकी दो खुद बताना क्या है, बाकी तो आपको पता ही है, कई बार क्वेश्चन करवा भी चुका हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु हैज अटेंडेड द 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स
ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम इंडियन साइड, संसद के स्पीकरों के पांचवें विश्व सम्मेलन में भारतीय पक्ष से किसने भाग लिया था, आंसर करेंगे किसने यहां पे कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी पांचवें विश्व सम्मेलन में संसद के स्पीकरों की, तो आपको जानकारी होनी चाहिए किसने करी थी, आपके लोकसभा के स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी ने, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, इस पार्लियामेंट को, देखिए सब कुछ वर्चुअली चल रहा है, इसको अपॉइंट किया था ऑस्ट्रिया ने, कहाँ ने, ऑस्ट्रिया ने, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रिया जो पार्लियामेंट की जो ऑस्ट्रिया की जो पार्लियामेंट है इसके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया, समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने, नेम दी इंडियन क्रिकेटर, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम आपको बताना है हु हैज वॉन दी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किस भारतीय क्रिकेटर को यहाँ पे सम्मानित किया गया मिला है, जिन्होंने अपना अभी रिसेंटली अनाउंस किया है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 यहां पे अनाउंस किया गया किस पर्टिकुलर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की यहां पे बात की जा रही है, तो कौन से क्रिकेटर को मिला है, तो आंसर करेंगे याद रखें रोहित शर्मा को मिला है। क्या कुछ दिमाग में एक चीज बैठ रही है, क्रिकेट की मैं अगर बात कर रहा हूं तो सारे पुरस्कार क्या शर्मा के पास जाते हुए दिख रहे हैं, क्या ऐसा है क्या, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, रोहित शर्मा इज द राइट आंसर, ठीक है याद रखेंगे। एक और नाम याद रखें, राजीव गांधी है तो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं, एक आपकी पैरा एथलीट है व्यक्ति, सबको पता है पैरा एथलीट किसकी बात कर रहा हूं, पैरा एथलेटिक्स की बात करूंगा, तो इसमें आपके मरियप्पन टी, क्या याद है आपको, भूल गए, मैंने आपको इनके बारे में बताया था क्या इनके पैर कट गए थे, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पे शामिल हुए, तो क्या बोला, मरियप्पन टी आपके पैरा एथलीट हैं, इनको भी यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ आपकी मनिका बत्रा जी जो कि टेबल टेनिस से बिलोंग करती हैं, मनिका बत्रा इनको भी प्रॉपर आपका टेबल टेनिस से बिलोंग करती हैं, इनको भी यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। विनेश फोगाट की बात यहाँ पे करूंगा जो कि रेसलिंग से आती हैं, इनको भी यहां पे किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर मैं बात करूंगा आपसे तो रानी रामपाल की बात करूंगा जो कि आपकी इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है, इनको भी यहां पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। तो यहां पे कितने को मिला, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, इतने लोगों को यहां पे क्या मिलता है। और आपकी दूसरी कौन है, दूसरी आपके यहाँ पे रोहित शर्मा जी, इनको क्या मिलता है, सबको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलता है। प्लीज कॉपी पे नोट कर लें, कुछ भी क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, जो आपका जनसंख्या के ऊपर राष्ट्रीय आयोग है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार कौन से वर्ष में, इन विच ईयर इंडियाज पॉपुलेशन, जो भारत की जनसंख्या है, टू बी मोर फेमिनाइन, इसको कुछ फेमाइन बोलते हैं, कुछ फेमिनाइन बोलते हैं, आपने फेमिनाइन जेंडर पढ़ा होगा, है पढ़ा ही नहीं पढ़ा आपने, बताइए फेमिनाइन जेंडर पढ़ा होगा आप लोगों ने, सबने पढ़ा होगा, जेंडर में पढ़ते हैं मैस्कुलिन फेमिनाइन या फेमिनाइन जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो यहां पे भारत की जनसंख्या अधिक स्त्रीलिंग लिंगानुपात में वृद्धि होगी, तो ये होगी आपकी, ध्यान से समझेंगे, ये होगी आपकी 2036 में, कितने में, 2036 में। रिपोर्ट क्या कहती है, वर्ष 2011 की अगर मैं आपसे बात करूं और 2036 की बात करूं, तो 11 से 36 तक का रेशो लिया गया। अच्छा एक क्वेश्चन जरा मैं आपसे पूछ लेता हूं, सब लोग आंसर करेंगे, ये जो राष्ट्रीय आयोग है आपका पॉपुलेशन के ऊपर, जनसंख्या के ऊपर, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, इसको सेटअप किसके द्वारा किया गया, इसको सेटअप किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे इसको सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ठीक है, क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस कमीशन को लॉन्च किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कितना रेशियो की बात करते हैं, 11 की बात करूंगा तो 947, 2036 की बात कर रहा है 957 की बात कर रहा है। सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं, यानी कि 1000 मेल पे आपकी कितनी फीमेल है, समझ में आ रही है, 1000 मेल पे 2011 में 947 फीमेल हैं, 2036 में बोल रहे हैं 957 है, तो डेटा आपका बढ़ जा रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम द्रोणाचार्य अवार्ड की, उस भूतपूर्व
भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम आपको बताना है जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया लाइफ टाइम कैटेगरी में। हाँ जी, आंसर करें, लाइफ टाइम श्रेणी में इनको नवाजा गया किससे, फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर हैं, आंसर करें क्या नाम है, अभी जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अनाउंस हुए थे उसमें नवाजा गया, आंसर करें। तो ये हैं आपके मिस्टर नरेश कुमार। कौन है? नरेश कुमार टेनिस से हैं, लाइफ टाइम कैटेगरी द्रोणाचार्य अवार्ड। सब लोग अपनी कॉपी पे दिमाग में इसको बिठा के रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाजा। बात करूंगा गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे? तो याद रखेंगे गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन ये बिलोंग करते हैं क्रिकेट से, तो एक क्रिकेटर के रूप में आप इनको देख सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन है इनका गेम कौन सा है, तो आप क्या आंसर करेंगे? क्रिकेट आंसर करेंगे, बात समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है लुइस रोडोल्फो अबिनाडार। क्या बोला? लुइस रोडोल्फो अबिनाडार की बात कर रहा हूं। ये 54वें राष्ट्रपति बने हैं कौन से देश के? 54वें राष्ट्रपति के रूप में लुइस रोडोल्फो अबिनाडार की बात यहां पे की जा रही है। कौन से देश के बने हैं तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ये बने हैं आपके डोमिनिकन रिपब्लिक के। किसके? डोमिनिकन रिपब्लिक के। अगर मैं आपसे डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल की बात करूंगा तो सेंटो और यहां पे डोमिंगो। क्या बोला? सेंटो डोमिंगो इज द कैपिटल ऑफ पर्टिकुलर डोमिनिकन रिपब्लिक। और अगर मैं आपसे करेंसी की बात करता हूं तो डोमिनिकन, यहां पे पैसो आपने सुना होगा, पीसो या पैसो जो भी आप बोलते हो, पीसो बोलना चाहो पीसो बोल दो, पैसो बोलना चाहो पैसो बोल दो, जैसे आपका मन करे। तो 54वें राष्ट्रपति लुइस का नाम याद रख सकते हैं, रोडोल्फो इस तरीके रोडो करके याद रख लो, है रोडो करके याद रख लो, भी रोना कहां पे है? डोमिनिकन रिपब्लिक में रोना है, है ना, जब आपका डोमिनियन स्टेटस था उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, तो उस टाइम भारतीय रो रहे थे, इस तरीके जैसे भी आपको याद करना हो अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। बात करेंगे विथ विच कंट्री यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात हैज एग्रीड फॉर अ पीस एग्रीमेंट, शांति समझौते के लिए आपकी जो यूएई है वो किस कंट्री के साथ यहाँ पे सहमति व्यक्त कर दी है इसने अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर, आंसर करेंगे तो आंसर करें। हाँ जी, यूएई ने किस देश के साथ पीस एग्रीमेंट के ऊपर, अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है, शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिएगा ये है आप लोगों का कौन सा पर्टिकुलर, इसराइल। किसके साथ किए हैं? इसराइल के साथ किए हैं, ठीक है। क्यों किए हैं? जिससे डिप्लोमेटिक टाइज बन सकें, डिप्लोमेटिक टाइज बन सकें। भैया देखो, मैंने आपको बताया था कि भारत, भारत ने किन्हीं भी दो देशों के बीच में पॉलिटिकल, भारत के किन्हीं दो देशों के बीच में पॉलिटिकल जो रिलेशंस होते हैं उसको हम, जिसको आप कह सकते हैं राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक टाइज को स्टैब्लिश किया जाने की बातें यहाँ की रही हैं। तो आपको पता होगा इसराइल के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू की बात यहाँ पे मैं करूँगा, कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू की बात करूँगा। और यहाँ पे क्राउन प्रिंस अगर मैं आपसे बोलूँ यूएई के, इनका नाम भी आपको पता होगा, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस है माननीय शेख मोहम्मद बिन जायद। कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद क्राउन प्रिंस हैं। तो इन सब की सहमति के अकॉर्डिंग इसराइल और यूएई का पीस एग्रीमेंट यहां पे साइन होता हुआ दिख रहा है। इसी को यहां पे क्या बोला गया? अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना गया। और ध्यान रखेंगे जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूएई है, ये पहली गल्फ अरब स्टेट आपको देखने को मिलेगी जिसने इस तरीके का डिप्लोमेटिक टाइज यहाँ पे देखने को पड़ रही है। इससे पहले वैसे अरब नेशन की अगर मैं बात करूँ, अरब राष्ट्रों की बात करूँ, तो इजिप्ट और आपका जॉर्डन ये ऑलरेडी पीस एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं इसराइल के साथ, ठीक है। इजिप्ट और जॉर्डन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अगर मैं गल्फ अरब स्टेट की बात करता हूँ तो किसका नाम सामने आएगा आपका? तब इसराइल का नाम सामने आएगा। कैपिटल आपको सबकी पता ही है क्या है क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड इंडिया हेल्थ केयर वीक, भारत हेल्थ केयर सप्ताह 17 अगस्त से 21 अगस्त 2020 तक मनाया गया, कौन से संस्थान के द्वारा इसको क्या किया गया, आयोजित किया गया था? आंसर करेंगे सब स्टूडेंट, आंसर करें जल्दी से, किस संस्थान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, लाया गया? तो याद रखेंगे ये संस्थान है आपका कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। क्या बोला? भारतीय उद्योग परिसंघ की यहां पर मैं आपसे बात करूंगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद विच आईआईटी फ्लिपकार्ट हैज साइंड एन एमओयू टू हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपोजर। किस आईआईटी के साथ फ्लिपकार्ट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, कौन सी आईआईटी के साथ, किसने किए हैं, फ्लिपकार्ट ने किए हैं, जिससे रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपोजर उन बच्चों को मिल सके। तो ध्यान से समझेंगे कौन सी आईआईटी है, ये आपकी आईआईटी पटना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा। समझ में आ रही है बात? चलिए तो आगे जल्दी से हम क्वेश्चंस को देखते हैं, रिवाइज करते हैं। सब लोग जल्दी से सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे लास्ट के दो मिनट में। क्लास छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन की आप लोगों को जरूरत है। और इस लिंक को अपने दोस्तों के पास तुरंत शेयर कर देंगे, मैक्सिमम लोगों के पास, सो डैट वो उस क्लास को एसेस कर सके। क्या लेगा आंसर क्या? सब लोग आंसर करें, कोई भी खाली ना बैठे।
चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, और मुलाकात करेंगे अब कल सेम टाइम पे 7 बजे आपके साथ। रिवाइज करते रहें, कल होपफुली आपका जो लास्ट 6 मंथ्स का है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 12 दिन में 12 महीने की करंट अफेयर्स कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा लंबे सेशन चलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपका कंप्लीट पैकेज आपको करंट अफेयर्स का देखने को मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।